नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी काउंसिल की 40th जो मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की वो हो चुकी है और कुछ डिसीजन यहां पर लिए गए हैं इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर्स को यहां पर रिलीफ दी गई है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स और टीडीएस से जुड़ी तमाम जानकारियां पाना चाहते हैं बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो सबसे पहले रिलीफ जो दी गई है वो दी गई है लेट फीस फॉर पास्ट रिटर्न्स। तो जिनकी भी जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक की जीएसटीआर 3B रिटर्न अगर फाइल नहीं की गई है तो वो जल्दी से फाइल कर लीजिए। अब आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है फ्रॉम जुलाई 17 टू जनवरी 2020 पीरियड। और अगर किसी महीने में आपकी टैक्स लायबिलिटी है तो ऐसे में आपको मैक्सिमम पेनल्टी जो है ₹500 पर रिटर्न जो है पे करनी होगी। तो जो पेनल्टी पहले हजारों लाखों रुपए में हो जाती थी अब वो पेनल्टी यहाँ पर बहुत ही कम कर दी गई है। और अगर आपकी किसी भी महीने में टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो ऐसे में उस महीने के लिए आपसे कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर किसी महीने में टैक्स लायबिलिटी है तो ऐसे में आपसे मैक्सिमम ₹5,000 तक की पेनल्टी ली जाएगी। पहले ₹5,000 तक की पेनल्टी थी, अब यह जो पेनल्टी है ₹500 तक की मैक्सिमम पेनल्टी कर दी गई है। जो रिड्यूस रेट है वो एप्लीकेबल होंगी 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक। तो जिन्होंने भी अभी तक जुलाई 17 से लेकर जनवरी 2020 तक के पीरियड की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है कर दीजिए जुलाई 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक के पीरियड के बीच। उसके बाद जो रिलीफ दी गई फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के लिए वो दी गई स्मॉल टैक्स पेयर्स को। स्मॉल टैक्स पेयर्स को कहा गया था कि अगर वो 30 जून तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ऐसे में उनको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। लेकिन अगर वो 30 जून के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो ऐसे में उन्हें पूरा का पूरा इंटरेस्ट पे करना होगा। तो वो यहाँ पर रिलीफ दी गई है 30 जून के बाद अगर वो 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ऐसे में उनको 18% की बजाय 9% का इंटरेस्ट पे करना होगा। फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी 5 करोड़ रुपए तक है फॉर द सप्लाईज अफेक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 2020 द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लेट फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द सेड मंथ्स बियॉन्ड स्पेसिफाइड डेट्स इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 18% टू 9% पर एनम टिल 30 सितंबर 2020। इन अदर वर्ड्स फॉर दीज मंथ्स स्मॉल टैक्स पेयर्स विल नॉट बी चार्ज एनी इंटरेस्ट टिल दी नोटिफाइड डेट्स। तो 30 जून तक की डेट नोटिफाई की गई है, स्टैगर्ड मैनर में कुछ केसेज में 6 जुलाई तक की यह डेट लास्ट डेट है। तो ऐसे में उन सभी केसेज में 6 जुलाई के बाद जो है रिटर्न अगर फाइल की जाती है 30 सितंबर 2020 तक तो उनको 9% का इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर 30 सितंबर 2020 के बाद फाइल करते हैं तो ऐसे में उनको पूरा का पूरा 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद बात आती है मई, जून एंड जुलाई की। स्मॉल टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है उनके लिए कहा गया है कि अगर वो सितंबर 2020 तक अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे तो ऐसे में उनको लेट फीस और इंटरेस्ट नहीं पे करनी होगी फॉर द मंथ ऑफ मई, जून एंड जुलाई। स्टैगर्ड मैनर में जो है डेट नोटिफाई की जाएंगी। और इसके साथ ही जिनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है उनको वन टाइम एक्सटेंशन दी जा रही है। टैक्स पेयर्स को जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है तो यहाँ पर 30 सितंबर 2020 तक वो अपना रिवोकेशन जो है फाइल कर सकते हैं कि उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना किया जाए। तो यहाँ पर जिनका भी रजिस्ट्रेशन 12 जून 2020 तक कैंसिल हो चुका है वो 30 सितंबर 2020 तक रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा और कुछ क्लोजेज में अमेंडमेंट की गई है जिनको नोटिफाई किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो मेजर डिसीजंस लिए गए जो इंटरेस्ट को लेकर, लेट फीस को लेकर, वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।